दीपा डीडी का अपार्टमेंट है गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 के अंदर, जिसकी लोकेशन है नियर ढाका स्वीट और नीपा जॉन। लीज अपार्टमेंट है ये 3 बेड DD का 4th फ्लोर का। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट के अंदर लिफ्ट मौजूद नहीं है और इस प्रोजेक्ट का नाम है अलजोरा अपार्टमेंट। अब हम लोग इंटर हो चुके हैं अपनी मेन एंट्रेंस से। जैसे ही हम लोग मेन एंट्रेंस के अंदर इंटर होते हैं तो ये हमारा जो एरिया है ये पाउडर एरिया है। पाउडर एरिया के साथ अगर आप सीधे हाथ के ऊपर आपने देखें तो ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया आ गया। ड्राइंग रूम काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर फोर सीलिंग का वर्क है, सेंटर में फानूस लगे हुए हैं और साइड्स के अंदर भी यही है एज इट इज़ है। जिस तरीके से हर अपार्टमेंट के अंदर होता है, यहाँ पे भी ड्राइंग रूम की जो एंट्री है वो बिल्कुल सेपरेट है। अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर देखें तो ये आपको बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली वॉलपेपर नहीं है, यहाँ पर जो है वो कस्टमाइज डिज़ाइन बनाकर 3D इन्होंने यहाँ पर वॉलपेपर दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो मौजूद है। जैसे हम बाहर निकलते हैं अपने ड्राइंग रूम से, तो ड्राइंग रूम से निकलते हम इंटर हो जाते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम के अंदर इंटर होते ही आपको ऊपर फोर सीलिंग का वर्क नज़र आता है, फोर सीलिंग के साथ साथ फानूस और मेरी बैक साइड के ऊपर यहाँ पे बाथरूम। बाथरूम का जो शॉट्स हैं वो सारे शॉट्स आपको जो है ना वीडियोस के अंदर टाइमली नज़र आते रहेंगे। मेरे बैक के ऊपर यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो मौजूद है। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने टीवी लाउंज की तरफ। हम लोग इंटर हो चुके हैं अपने लाउंज के अंदर। यहाँ पे एल शेप के अंदर बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट किस्म का जो है यहाँ पे लाउंज क्रिएट किया गया है। यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो बिल्डर कंडीशन में जो है इसका नक्शा थोड़ा सा चेंज था, जिसकी वजह से आपको मेरे सर के ऊपर थोड़ी जो है यहाँ पे बीम नज़र आ रही होगी। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारा ओपन स्टाइल अमेरिकन किचन दिया गया है। बैक के ऊपर हमारी विंडो है, लेकिन इस विंडो की जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बेसिकली जो अपार्टमेंट है ये पार्क फेसिंग है। पार्क के साथ आपको जो है यहाँ पे बहुत अच्छा और खूबसूरत व्यू यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। किसी किस्म का शोर शराबा यहाँ पे नहीं है। राइट साइड के ऊपर आपको अगेन वही आर्टवर्क नज़र आ रहा होगा, कस्टमाइज डिज़ाइन का ये आर्टवर्क है। लेफ्ट हैंड के ऊपर अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमारा किचन मौजूद है। जैसे हम अपने किचन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर मार्बल टॉप जो आपको नज़र आता है, ग्रेनाइट का मार्बल टॉप नज़र आता है। ऊपर खूबसूरती के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर सीलिंग, और फोर सीलिंग के साथ साथ यहाँ पर जो है वो फानूस लगाया गया है। स्टोव जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है, ब्रांड न्यू पूरा किचन बनाया गया है। यहाँ पर जो जगह दी गई है यहाँ पे आप अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना फ्रिज भी रख सकते हैं। जैसे हम अपने किचन से निकलते हैं तो किचन से निकलने के साथ ही अब आप आ जाते हैं हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड के ऊपर एक बेडरूम आपको मेरे सीधे हाथ पे नज़र आ रहा होगा और दूसरा बेडरूम भी आपको फिर दोबारा सीधे हाथ पे नज़र आ रहा होगा। जैसे हम अपने बेडरूम के अंदर आते हैं, ये हमारा बेसिकली किड्स बेडरूम है। यहाँ पर अटैच बाथ मौजूद नहीं था, लेकिन जिसने ये रेनोवेट किया है तो रेनोवेट करने के साथ साथ वॉशरूम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे इन्होंने राइट साइड के ऊपर वॉशरूम दोबारा बनाया गया है। कॉमन वॉशरूम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉमन के साथ साथ आप इसको जो है वो एज अ अटैच बाथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अटैच है नहीं। आना पड़ेगा आपको। अब हम आ चुके हैं अपने किड्स बेडरूम के अंदर। किड्स बेडरूम में भी आप देख सकते हैं कि मेरे राइट के ऊपर एक और विंडो, मेरे लेफ्ट के ऊपर दूसरी विंडो। वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, ऊपर फोर सीलिंग, और फोर सीलिंग के साथ साथ एज यूजल टाइल फ्लोरिंग, और टाइल फ्लोरिंग के साथ साथ ऊपर आपको फानूस नजर आता है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की बैक के ऊपर आप अगेन विंडो, विंडो के साथ ही ऊपर फोर सीलिंग, फोर सीलिंग के दोनों साथ जो है यहाँ पर हमारे फानूस, और फानूस की बैक साइड के ऊपर यहाँ पे आपको बाथरूम नज़र आता है। बाथरूम सारे ब्रांड न्यू बनाए गए हैं, किचन ब्रांड न्यू बनाया गया है। तमाम इलेक्ट्रिक की वायरिंग यहाँ पर नहीं है, तमाम प्लम्बर की वायरिंग, जो प्लम्बर के सारे पाइपिंग वगैरह हैं वो सब नहीं है।
हमारा पूरा किचन ब्रांड न्यू यहाँ पे बनाया गया है, और उसके साथ साथ जो है ड्राइंग रूम की जो है वो पूरे फ्लोर का टाइल सारी ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ ब्रांड न्यू यहाँ पे और बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे लगाई गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो अपार्टमेंट का टूर है हम आपका बहुत पसंद आया होगा। ये अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी जो डिमांड की जा रही है ऑनर की तरफ से बहुत ही मिनिमल की जा रही है। 3-bed DD गुलशन जैसे अपार्टमेंट में जिसकी फेसिंग के ऊपर पार्क हो, 3-bed DD का अपार्टमेंट हो कम्प्लीटली रेनोवेटेड, उसकी डिमांड जो ऑनर की तरफ से की जा रही है वो की जा रही है 95 lakh rupees। तमाम तरीके के जो लोन हैं वो एप्लीकेबल हैं। अच्छा, आपको जैसे आपने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर देखा होगा, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हम लोग जो डिमांड करते हैं उसमें बहुत स्लाइटली नेगोशिएट किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो है जो ऑनर का बॉटम होता है उस बॉटम के ऊपर से 5-6 lakh rupees ऊपर करके ही डिमांड हम लोग बताते हैं, ताकि हम लोग जो है वो अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो है अपने सेलर और परचेजर दोनों को सेटिस्फाई कर चुके हैं। हमें इजाज़त दीजिए इसी वीडियो के साथ, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।